हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बेसिक फार्मूले डिस्कस किए थे ट्रायंगल्स के, कि आइसोसेलिस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा और हीरोन्स लॉ क्या होता है। हीरोन्स लॉ के बारे में हमने आपको बताया कि इससे भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, वेयर एस इज सिंपली, बच्चों क्या मैंने बताया था, सेमी पेरीमीटर। तो इसी सीरीज में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 3:4:5। एक ट्रायंगल है जिसकी तीन साइडें दे रखी हैं, लेकिन वो तीन साइडें नहीं दी हैं बच्चों, उनका रेशियो दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इट्स पेरीमीटर इज 144। देखिए पेरीमीटर आपको दिया है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हमें यहाँ पर साइड तो नहीं पता है लेकिन हमें उनके बीच रेशियो पता है। तो जब भी कभी रेशियो लिखा हो तो तुम लेट करके लिख, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज 3x 4x एंड 5x, ये हो गया 3x 4x एंड 5। अब चूंकि क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है तो हम यूज करेंगे, सिंस पी इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर, सो 3x 4x 5x 144, 12x इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू, ये आपका 12 आ गया। तो कुल मिला के 12 से ये यूनिट नहीं होगा बच्चों, इसमें कोई यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स का है कांस्टेंट है यहाँ पर। तो जो साइड हो गई, देन साइड, तो पहली साइड हो जाएगी 3 × 12 दैट बिकम 36 सेंटीमीटर, और सेकंड साइड हो जाएगी आपकी 4 × 12 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड हो जाएगी आपको 5 × 12 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको तीन ये मिल गए, साइड्स आपको मिल गई, और इनकी मदद से अब आपको सॉल्व करना है कि इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या ये जो साइड है, ऐसा तो नहीं है कि ये साइड राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो, मे बी। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड अगर नहीं है तो हम हीरोन्स लॉ लगा देंगे, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा, लंबे कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। तो ये पता करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पर ये चेक करेंगे वेदर द साइड्स बिलोंग्स टू राइट एंगल ट्रायंगल्स और नॉट। तो उसके लिए तरीका ये होता है, सबसे बड़ी जो साइड है उसका हम स्क्वायर करें। तो सबसे बड़ी जो साइड है यहाँ पर वो है 60 का स्क्वायर, तो ये आएगा 00, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर एंड 48 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं 36 का स्क्वायर जो है वो होता है 1296, एंड 48 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2304। अब 2304 में 1296 प्लस 2304 को अगर ऐड कर दें तो बच्चों आ जाता है 3600। तो वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, 60 के स्क्वायर के। सो दीज साइड्स बिलोंग्स टू राइट एंगल ट्रायंगल, साइड्स बिलोंग्स टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल से साइड्स बिलोंग करते। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, तब तो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ परपेंडिकुलर,
देखिए सबसे जो लार्जेस्ट साइड है वही हाइपोटेनस होती है, तो हम किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस मान के सॉल्व कर सकते। तो यहाँ आपने 36 × 48 रखा और इसको सॉल्व कर लिया, और बाद में हम 36 × 24 को मल्टीप्लाई कर लेंगे जो निकलेगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में बताया इसमें हमने वेरीफाई किया कि ये जो साइड्स हैं वो किसकी साइड्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम हीरोंस लॉ का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने हीरोंस लॉ को इसलिए नहीं अप्लाई किया क्योंकि इट इन्वॉल्व्स मोर कैलकुलेशन, एंड मोर कैलकुलेशन मीन्स मोर रिस्क। सो ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क वी गो जस्ट गो एंड फॉलो टू चेक वेदर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बिलोंग्स टू राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक क्वेश्चन है एरिया एरिया ऑफ एन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरी। इसका वो पेरीमीटर पूछ रहे हैं कि पेरीमीटर बताएं। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तो श्योर है कि उसकी साइड्स क्या होंगी, सेम। तो आंसर में लिखेंगे सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सो ईच साइड इज सेम, लेट दैट इज ए। तो अब कितना लिखेंगे, अब हमें चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर। अब ये तो हमें फॉर्मूले से पता है, लेकिन क्वेश्चन में बच्चों एक दे रखा है, क्वेश्चन कितना दिया 36√3, ये √3 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 × 4, और जैसा आप देख पा रहे हैं 6 × 6 × 2 × 2, तो ए इज इक्वल टू कितना जाएगा 6 × 2 दैट बिकम्स 12। तो साइड इसका कितना होगा 12 सेंटीमीटर। क्यों बच्चों क्या दो दो में से पेयर में से एक एक पेयर को हमने उठा लिया और ए इज इक्वल टू ये आया। अब यहाँ पर अगर हम निकालें पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 + 12 + 12 = 36 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया ये था बिलोंग करता था किससे, इक्विलेटरल ट्रायंगल से। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं कि जिसकी सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं उसे को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद पेरी मीटर 36 सेंटीमीटर एंड बेस 16 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने कहा एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, फाइंड एरिया फाइंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद पेरीमीटर 36 एंड बेस इज 16 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज जानते हैं, अगर हम यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए तो ये साइड इस साइड के बराबर होती है, बेस आपका 16 है और ये कितना 36, ये कितना 36। तो पेरीमीटर उन्होंने ये 36 नहीं है, उन्होंने साइड नहीं दी, तो हमने मान लिया ए और ए। इसका पेरीमीटर कितना दिया बच्चों 36। तो आइए इस चीज को हम यूज कर लेते हैं, उससे साइड निकालते हैं। तो आप जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू a + a + 16 और दैट इज इक्वल टू 36 एंड 2a इज इक्वल टू 36 - 16, 2a इज इक्वल टू 20
एंड ए बिकम्स 10 सेंटीमीटर, ए आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। तो अब यहां से आप क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया। अब एरिया निकालने के लिए बड़ा अच्छा यहाँ पर मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, उसको हम अडॉप्ट करेंगे और आसानी से एरिया को निकाल। देखिए सबसे आसानी से जो एरिया निकलता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का ही निकलता है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एडी। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बीसी फ्रॉम कहाँ से बच्चों, फ्रॉम ए पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बी सी फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है। तो बाय ज्योमेट्री बी डी इज इक्वल टू बी सी, ज्योमेट्री के जरिए बी डी जो है वो डी सी के इक्वल होता है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लिखेंगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि ये पूरा कितना है बच्चों बी सी 16 है, तो बी सी का आधा बी डी दैट इज 8, तो 8 का स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए तो हमने 10 निकाला है तो ये हो गया 100। तो यहाँ से हम ए डी स्क्वायर निकालेंगे दैट बिकम्स 64, दैट बिकम 36 एंड ए डी इज इक्वल टू 6। ए डी बच्चों आ गया आपका, ए डी है 6। अब इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे इसका एरिया। तो एरिया इसका जो आएगा वो हाफ परपेंडिकुलर है ए डी और बेस है 60, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, हमने किस तरह से बताया। इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, बार बार समझिए, जिससे कि आप इसको और अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू वेरी मच।